हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी सिल्ट कंटेंट टेस्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में, जो हम फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं, जिन्हें हम हमारी लोकल लैंग्वेज में सैंड भी बोलते हैं। तो इस सैंड के अंदर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम टेस्ट करते हैं, वो होता है उसका सिल्ट कंटेंट। सिल्ट कंटेंट मीन्स इस सैंड में उपस्थित या प्रेजेंट ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 75 माइक्रोन से नीचे होता है, वो हमारा सिल्ट कहलाता है। ये जो सिल्ट होता है दोस्तों, हमारी कंक्रीट को वीक करता है, उसकी स्ट्रेंथ को ये कम करता है। इसलिए अगर हमारी सैंड में सिल्ट का परसेंटेज अधिक होगा तो वो सैंड हमारी अनयूजेबल होगी, उसे हम कंक्रीट के वर्क में रिकमेंड कभी नहीं करेंगे। तो ये जो सिल्ट कंटेंट है उसको कैसे टेस्ट करना है, उसकी रिकमेंडेशन कितनी है, कितनी लिमिट आपको रखनी चाहिए, ऑथेंटिक प्रोसीजर क्या है, उसी बारे में आज की वीडियो हम डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को शेयर कर देना जिससे अदर फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए और कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प हो जाएगी। अगर टेलीग्राम पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर में करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा एक सैंड का सैंपल है जिसका हमें सिल्ट कंटेंट टेस्ट करना है, वही वाश मेथड से जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो सैंड है इसका हमें लगभग 1 kg सैंपल लेना है, और 1 kg सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 24 आवर्स के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन ड्राई कर लेंगे। ओवन ड्राई करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 75 माइक्रोन की आई एस सीव लेना है, ठीक है, जिसपे हमें इसको वाश करना होता है। और इसको वाश करने के पहले हमें लगभग लेना है 500 ग्राम सैंपल, क्योंकि हम पूरा सैंपल नहीं लेंगे, लगभग 500 ग्राम हमें सैंपल लेना है, जिसे हम 500 माइक्रोन की आईएससी पर टैप वाटर में वाश करेंगे। टैप वाटर मीन्स जो हमारा क्लीन वाटर हो, डिस्टिल वाटर हो, या पोर्टेबल वाटर जिसे हम पी सकते हो, उस पानी में हमें इसको वाश करना है। और यह वाशिंग आपको तब तक करनी है जब तक कि जो नीचे से इसका सिल्ट है वो आपका सिल्ट पूरी तरीके से नहीं निकल जाए। उसको आप विजुअली ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका जो वाटर है वो इस सीप से जब पास होगा, जो नीचे आप देख पा रहे होंगे वाटर को, वो बिल्कुल क्लीन वाटर आपका सीप के नीचे पास होने लग जाएगा, जिससे जो सारा सिल्ट है वो पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाता है, धुल जाता है, और सिर्फ आपकी क्लीन सैंड है वो इस सीप के ऊपर रिटर्न हो जाती है। तब तक आपको इसको वाश करना है जब तक क्लीन वाटर आप ऑब्जर्व ना करने लगें। जब अच्छी तरीके से धुल जाती है दोस्तों, तो फिर इस सैंड को हमें क्या करना है, एक बार चेक कर लीजिए कि जो नीचे से आपका क्लीन वाटर आने लग जाए, तो आपकी जो वॉशिंग प्रोसीजर है इसको आपको ओपन एंड कर देना है, और आपको वॉशिंग यहीं पे जो आप पानी है उसको बंद करके इस सैंपल को जो रिटेन हुआ इसको वापस से केयरफुली कलेक्ट करना है, कोई भी आपका पार्टिकल बाहर ना गिरे। इस प्रकार से आपको इसको एक पैन में या किसी भी बर्तन में इसको कलेक्ट कर लेना है, और फिर से इसको 24 आवर के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन ड्राई करने रखना है। और जब इसको वापस से ओवन ड्राई हो जाता है तो इसको रूम टेम्परेचर पर आपको ठंडा करना है, और फिर से इसका वेट लेना है कि कितना वेट हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये हो गया 488 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर वॉशिंग जो इसका सिल्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, और सिर्फ जो क्लीन सैंड है वही हमारी सीप के ऊपर रह जाती है, जिससे इसका वजन है, वेट है, वो थोड़ा कम हो जाता है। आपने देखा होगा जो हमने बिफोर वॉशिंग सैंपल लिया था वो हमारा 500 ग्राम था, और आफ्टर वॉशिंग या क्लीनिंग आप इसको बोलिए तो ये 488 ग्राम हो गया है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी हम आगे समझते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको इस प्रकार से एक टेबल प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको सीरियल नंबर लेना है, 1, 2, 3 और 4 सीरियल लेना है। डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, नंबर 1 पे वेट ऑफ सैंड सैंपल इन ग्राम, जो आपने सैंपल लिया है वॉश करने के लिए वो आपको ए से डिनोट करना है, जो हमने लिया था 500 ग्राम। नंबर 2 में लिखना है आपको वेट ऑफ सैंड सैंपल आफ्टर वॉश, जिसे आपने वी से डिनोट किया है, और ये आया था हमारा 488 ग्राम। तो सिल्ट कंटेंट हमारा हो जाएगा ए माइनस वी, यानी कि डिफरेंस ऑफ सैंड सैंपल और आफ्टर वॉश सैंपल जो हमारा आया है, उन दोनों का जो डिफरेंस है जिसे हमने ए माइनस बी से डिनोट किया है, और इसको डिवाइड कर देना है ए यानी के सैंपल ऑफ सैंड से। तो
डिवाइड करने के बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना, जिससे ए जो है परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ए माइनस बी हमारा आ जाता है 12, यानी 500 माइनस 488 हो जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाय 500 जो है हमारा सैंपल वेट, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो ये जो सिल्ट कंटेंट हमारा आ जाता है 2.4% आ जाता है। इस प्रकार से आपको 3 स्पेसिमेन एक सैंपल के लिए टेस्ट करना और फिर उनकी एवरेज वैल्यू आपको सिल्ट कंटेंट के लिए नोटिफाई करनी है। अब ये तो हो गया हमारा टेस्ट, अब हम बात करते हैं कि इसकी जो लिमिट्स है वो क्या होती है, कितना हमें जो इसका परमिसिबल रेंज है वो रखना चाहिए। तो एज पर IS 383 में का 2016 का जो आपका एडिशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेबल नंबर 2 है, इसमें लिखा है लिमिट्स ऑफ डिलीटरियस मटेरियल। तो जो आपका सिल्ट होता है जो कि मटेरियल फाइनर देन 75 माइक्रोन ISE, इसको आप सिल्ट बोलते हैं। और टेस्ट मेथड आपको IS 2386 पार्ट 1 में मिल जाती है। तो अगर हमारी अनक्रश्ड सैंड है तो ये हमारे 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपका फाइन एग्रीगेट बाय परसेंटेज ऑफ मास, यानी कि 3% से अधिक हमारा जो पासिंग परसेंटेज है 75 माइक्रोन पे, इससे अधिक हमें नहीं होना चाहिए जब हम अनक्रस्ट सैंड यूज कर रहे हैं। अगर हमारी क्रस्ट या मिक्स्ड सैंड है तो हमें 15% क्रस्ट सैंड में है और 12% मिक्स्ड सैंड में लिमिट दी हुई है। और अगर मैन्युफैक्चर्ड सैंड है तो आप इसमें 10% मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं। अब फ्रेंड एक सवाल ये भी आता है कि हम सिल्ट कंटेंट टेस्ट करते हैं जार मेथड से भी कर सकते हैं, हम उसमें जार मेथड जो कि बहुत अधिक हमारे फील्ड पे आपने देखी होगी करते हुए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि उसमें आपको परमिसिबल रेंजेस कहीं भी नोटिफाइड नहीं की हुई है किसी भी IS कोड या IRC में, उसकी परमिसिबल लिमिट क्या है ये हमें नहीं लिखा है। इसलिए जो आपके रिकमेंडेड मेथड है, ऑथेंटिक मेथड है सिल्ट कंटेंट की, वो आपको 75 माइक्रोन ISE से वाश करने के बाद कि जो प्रोसीजर वही आपको फॉलो करनी चाहिए एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए। ओके फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर देना। कोई डिस्कशन है, कोई PDF चाहिए, कोई एक्सेल शीट चाहिए तो टेलीग्राम पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको ज्वाइन कीजिए और मुझसे आप उस पर टेलीग्राम चैनल पर कोई PDF या कोई भी आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं। फेसबुक ग्रुप पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए जिससे ऐसी और जानकारी आपके साथ में शेयर करता रहूँ। चलिए फ्रेंड चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिले आपसे एक नई वीडियो में, तब तक लिए टाटा टेक केयर एंड गुड बाय।